रहमान रहीम, मेरा नाम अली हैदर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आजकल व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट इस लिहाज से है क्योंकि बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में जॉब करने के लिए आते हैं। उनका एक ख़ास मकसद होता है। जैसे उनका मकसद कंप्लीट होता है वो लोग अपने घरों को चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ रह के कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कुछ लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं। कल कुछ बहुत सारे लोग जो यहाँ से वापस जा रहे थे, मैंने उनसे बात की। उनसे बात करके उनसे बहुत खुशी भी हुई और बहुत दुख भी हुआ। सबसे पहले मैं अपनी खुशी का इजहार करता हूँ। खुशी इस बात की हुई कि उन लोगों ने मुख्तलिफ प्लांटों में काम किया। मुख्तलिफ प्लांटों में काम करने में उन्होंने अच्छे से काम किया और सेफ वर्क किया। खुद को भी सेफ रखा, एक्सीडेंट से बचाया, अपने दोस्तों को भी एक्सीडेंट से बचाया और कंपनी का नाम बनाया। तो किस बात का हुआ क्योंकि वो लोग इंडिया से हैं और मैं पाकिस्तान से हूँ। मुझे ये मालूम नहीं कि मैं दोबारा उनसे मिल पाता हूँ या नहीं मिल पाता। तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि उनके साथ मेरी बहुत सारी यादें थी, क्योंकि उनके साथ बहुत सारा मेरा वक्त गुजरा था साथ में। और जैसे ही उनसे मैं बात कर रहा था तो मैंने एक छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोज़ बनाई हैं। मैं वो आप दोस्तों की खिदमत में नज़र करता हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे आप लोग सपोर्ट करेंगे मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जी बलजिंदर भाई, क्या हाल है? ठीक है। कैसा रहा यार ये 2 साल? बहुत बढ़िया। आपको याद है आप और मैं इकट्ठे आए थे इस कमरे में? छूट गए, हम आ गए। चलो ठीक है। और बढ़िया है, बस मैं दुआ करता हूँ आप खैरियत से जाएं और मेरे से कोई गलती कोताही होगी माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? बाकी अल्लाह पाक आप खैर खैरियत से ले जाए। माशाल्लाह आपका इखलाक बहुत अच्छा है। आप कभी मैंने कहा आपको किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखा। आप माशाल्लाह बहुत हंसमुख हैं। और बाकी अल्लाह बेहतर करेगा जो भी है। खैर खैरियत से आप घर चले जाएँ, ठीक है? ओके, दुआओं में याद रखना। जी दोस्त, क्या हाल है? ठीक है, सब ठीक ठाक। आप जा रहे हैं? जा रहे हैं। 2 साल कंप्लीट कर लिए? हाँ, 2 साल कंप्लीट कर लिए। अच्छा, कैसा रहा सफ़र? बस सही सलामत, अच्छा से चल निकल गया। अच्छा, तो कुछ अच्छी यादें होंगी कोई बुरी यादें होंगी? अच्छी यादें कौन सी हैं इस कंपनी में? क्या अच्छा देखा? क्या अच्छा देखा, बुरा के अलावा अच्छा क्या देखा, जो भी है सब सही है। अच्छा चलो ठीक है, आप खैरियत से चले जाएँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। ये को मेरे बहुत ही प्यारे मेरे जिगरी दोस्त रिजवानुल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात, माशाल्लाह। ये मेरे साथ जॉब करते रह गए हैं, अब ये पाकिस्तान इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, अब ये जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि बाद में मुलाकात होती है या नहीं होती, इंशाल्लाह फिर। तो ये बताइए कि आपका सफर कैसे गुजरा 2 साल का? अल्हम्दुलिल्लाह, सफर अच्छा गुजरा। अच्छा, जो भी है अल्लाह की नेमत है, जो भी मिला बहुत अच्छा मिला, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि आदमी अच्छा से सही सलामत घर जा रहा है। अच्छा चलो, आप खैर खैरियत से अपने घर जाए मैं दुआ करता हूँ। और मैं आपको सबसे ज्यादा मिस करूँगा क्योंकि आप मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब थे। सुभानअल्लाह, और अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से घर ले जाए। आमीन आमीन। इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट रहेगा आपसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे और आपके लिए आसानी पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नुशाद भाई, क्या हाल है? सुनाइए सुनाइए, कैसा सफर रहा आपका? सफर अभी स्टार्ट हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और एवाईटीबी में आपका सफर 2 साल का कैसे गुजरा? एवाईटीबी का नाम आप भूल जाइए। क्यों? बहुत मुश्किल से पैसा मिला। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कुछ कहना चाहेंगे? जितना भी कहेंगे सब जाया हो जाएगा। कुछ दोस्तों ने अच्छे कमेंट किए और कुछ दोस्तों ने बुरे कमेंट किए, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। और मैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट के बगैर ये कुछ भी मुमकिन नहीं था। और मैं न्यू आने वाले सब्सक्राइबर से दरख्वास्त करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बाकी अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।